हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक द रूट ऑफ अकाउंट्स। बिना इसके अकाउंट्स से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं और आपने कॉमर्स ले रखा है तो समझिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके लाइफ में। तो द फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट जर्नल, आज का टॉपिक है। आज के क्लास में हम लोग टोटल ए टू जेड ट्रांजेक्शंस को कवर करेंगे, पढ़ेंगे जनरल रूल्स, ट्रेडिशनल मॉडर्न रूल्स एंड ऑल द एंट्रीज अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो कंफर्म मानिए कि आपका जनरल लगभग लगभग तैयार हो जाएगा। अगर आपने देखा तो, और तो चलिए हम लोग देखें जनरल होता है क्या है, क्या होता है जर्नल, क्यों बनाते हैं इसको हम लोग। तो थ्रू द जर्नल वी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अ बिजनेसमैन परफॉर्म डूइंग द लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस डेली एंड एक ह्यूमन नेचर है, इट्स नॉट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस। एक ह्यूमन बींग्स रिकॉर्ड नहीं कर सकता, और बाकी भी और चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुके। आज जॉन हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से, कौन से रूल्स होते हैं जिसको अप्लाई करके हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली जनरल में हमारे दो रूल्स हैं, दो रूल्स को फॉलो करते हैं हम लोग। पहला है ट्रेडिशनल रूल एंड दूसरा हमारा है मॉडर्न रूल। मॉडर्न दो रूल्स को हम लोग कवर करेंगे, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल रूल को हमने क्लासिफाइड किया है थ्री टाइप्स में, और इसमें हमने पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इसके आगे आप अकाउंट्स भी पुट कर सकते हैं। तो हमने ट्रेडिशनल को पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स में क्लासिफाइड किया है तीन में। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल रूल को कवर करेंगे, देन आफ्टर मॉडर्न को, उसके बाद हम लोग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस को कवर करेंगे कि आप किस तरीके से अलग अलग केसेस में आप कौन कौन से एंट्री पास करेंगे। ए टू जेड थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट हाँ आपको टोटल ऑल इन वन इंफॉर्मेशन इस लेक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट, आप इसके आगे अकाउंट्स पुट कर सकते हैं, रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट्स। ये तीन अकाउंट्स हमारे ट्रेडिशनल रूल में हैं, और तीनों को हम लोग इसके रूल्स को पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे होता क्या है। ठीक है, मॉडर्न में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके ट्रेडिशनल रूल को डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर हम लोग मॉडर्न को डिस्कस करेंगे और फिर करेंगे ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले हम लोग बात करें अगर ट्रेडिशनल रूल में पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जहां पे नेम ऑफ द पर्सन, इट मींस द नेचुरल पर्सन एज वेल एज द आर्टिफिशियल पर्सन, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन यानी जैसे हम आप ये सब क्या हो गया, नेचुरल पर्सन, राम, श्याम, मोहन, रोहन, इट्स अ नेचुरल पर्सन। एंड ऑल द कंपनी नेम, फॉर्म नेम विच क्रिएटेड बाई द लॉ, दैट्स कॉल्ड द आर्टिफिशियल पर्सन। तो जहां भी आपका नाम आएगा, चाहे वो नेचुरल पर्सन का हो या आर्टिफिशियल पर्सन का हो, आप उसको ट्रीट करेंगे पर्सनल अकाउंट। आप एक काम करिए, अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे से आपको नॉलेज मिले तो इट्स माई सजेशन, एक पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, वन बाय वन सिस्टम स्टेप बाय स्टेप सबको नोट डाउन करते चलिए। और उसके बाद तो मैं हूं, सारी जो इंफॉर्मेशन है तो आपको मिलती रहेंगी, आपको आता रहेगा, आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। इसके अगर रूल की बात करें तो इसमें हमारा रूल जो है जिसको कवर करते हैं, और इसको हम लोग गोल्डन रूल के नाम से भी जानते हैं, गोल्डन रूल, ठीक है, बट ट्रेडिशनल रूल है। रूल इसका है डेबिट इज रिसीवर एंड द क्रेडिट इज गिवर। आप यहां पे नोट डाउन करेंगे,
नोट डाउन है भैया कि डेबिट यानी कि डीआर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डेबिट को डीआर लिखते हैं, क्रेडिट को हम लोग सीआर लिखते हैं। ये दो साइड्स होते हैं हमारे जर्नल के, डेबिट एंड क्रेडिट, बिना इसके अधूरे हैं। ये दोनों हम सफर है, दोनों की इक्वल वैल्यू है, दोनों बराबर होने से हमारे जर्नल में डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए ये जोड़ा बन नहीं पाएगा, यानी ये इक्वेशंस गलत है, ठीक है, या जर्नल गलत है, जो भी कह सकते हैं आप। तो इसका क्या रूल है भाई, डेबिट रिसीवर यानी वो पर्सन जो रिसीव करेगा उसको डेबिट करेंगे, और जो क्रेडिट करेंगे जो देगा गिवर, ठीक है। एक एक आप नोट डाउन करते रहिए, मैं इसके फॉर्मेट के साथ आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट जिसको एसेट्स अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, इसमें सारे एसेट्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो एसेट्स अकाउंट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसका जो रूल होता है वो होता है भैया हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बस अगर कंपनी के बाहर क्या होता है, कंपनी के बाहर अगर कोई चीज जा रहा है यानी आपने एसेट्स बेच रहा है या बाहर जा रहा है, आउटसाइड हो रहा है, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, और अगर कंपनी के अंदर आ रहा है कम्स इन तो उसको क्या करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से भी प्रचलित है ना, इसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इसमें आते हैं, इसलिए हम लोग इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम से भी प्रचलित करते हैं, ठीक है। इसके जो रूल है वो रूल हमारा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी हमारा खर्च होंगे और लॉस होगा वो हमको क्या होगा, ऑल इनकम एंड गेन और प्रॉफिट, अगर ये सारी चीजें मिल जाएंगी तो आपको क्या करना है, उसको भाई क्रेडिट करना है। ये तीन इंपॉर्टेंट रूल है जिसको आपको याद करना होगा, सर बिना इसके याद किए आपको नहीं हो सकता। अगर आप सोचते हैं कि जनरल बहुत आसान है, इजी है, इसको हम आराम से कर लेंगे, तो बताए ना ये रूट है, ये पूरे अकाउंटेंसी का रूट है, बिना इसके जाने आप अधूरे हैं। अगर आप इसको नहीं जानते, आपको जनरल करने नहीं आता है, इसका मतलब आप अधूरे हैं, आपको कुछ नहीं आता। तो ये तीन रूल जो कि आपको याद रखने होंगे, पहले याद करिए, याद करने के बाद आपको अप्लाई करने आएगा। अगर आपने याद नहीं किया, आपने सोचा कि मैं ऐसे ही याद करके अप्लाई कर लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले याद करिए, याद कर लेंगे तो अपने आप आपको इसको अप्लाई करने आ जाएगा। दो चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसको अप्लाई करने आ जाएगा। थ्री रूल्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉडर्न रूल, एंड मॉडर्न रूल्स वेरी इजी, इट्स अप्लाई ऑल द डेवलप्ड कंट्री लाइक अमेरिका, चाइना, जापान, बट ट्रेडिशनल रूल, द निक नेम ऑफ ट्रेडिशनल रूल इज गोल्डन रूल, सो ओल्ड इज गोल्ड। आइए देखते हैं मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल, मॉडर्न रूल को देखने से पहले आपको कुछ वर्ड्स आपको ध्यान देने होंगे, मैं वर्ड्स लिख लेता हूं यहां पे। आपको यहां पे वर्ड्स होंगे, पहला कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, लॉसेस वही, एंड इनकम, परचेज एंड सेल्स। ए वर्ड्स कुछ याद रखिए, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, एसेट्स अगर इन होता है तो डेबिट, आउट होता है तो क्रेडिट,
लाइबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, जो भी एक्सपेंस है आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से इसमें एक्सपेंस है, तो आप बहुत आसानी से इसको आइडेंटिफाई आप कर लेंगे भाई कि कौन सा एक्सपेंस है। वो चीजें एक्सपेंस क्या होता है कि हमने उनसे कुछ लिया, पैसे नहीं वर्क लिया, उसके बदले में हमने पैसे दिए, दैट्स कॉल्ड द एक्सपेंस। इनकम क्रेडिट होता है, परचेज डेबिट, एंड द परचेज रिटर्न जो होगा वो जाएगा क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट एंड द सेल्स रिटर्न जो हो जाएगा वो जाएगा हमारा डेबिट। कुछ वर्ड से भाई इसको याद तो करना पड़ेगा, आपको बिना याद किए कुछ होने वाला है नहीं, तो आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, उसकी एंट्री भी पास कराएंगे आपको, और एक एक चीज सब क्लियर करने वाले हम लोग आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए ये हमारा मॉडर्न रूल है, इसको करते हैं हम लोग रफ, आगे देखते हैं। आगे हमारा ट्रांजेक्शन है, अगर मान लीजिए कोई फॉर्म है वो अपना बिजनेस से स्टार्ट कर रहा है, अब बिजनेस मैंने बताया था कि बिजनेस आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, कैश, बैंक, एसेट्स, लायबिलिटीज, बहुत सारी चीज से आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, यानी वो चीजें जो आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट इन आवर बिजनेस फॉर स्टार्ट द रन करने के लिए, आप जो भी चीजें पहली बार क्या करते हैं अपने बिजनेस में लगाते हैं, दैट्स कॉल्ड द कैपिटल। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा कि जो चीज आप लगाएंगे, जो भी चीज, वो हमारा डेबिट होगा, और इसके नीचे हो जाएगा हमारा टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। हम लोग इसको सेट करते हैं, सबसे पहले बनाएंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ जनरल, उसके ऊपर हम अलग अलग ट्रीटमेंट करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके, सबसे पहले चीज कि यहां पे आपने डालना है जनरल, जो भी आपके नाम रहेगा और उसका नाम आपको लिख देना है। आपको कॉलम्स रहेंगे, एक कॉलम्स रहेगा आपका डेट का, और फिर कॉलम्स रहेंगे आपके पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स का कॉलम, थोड़ा सा बड़ा पार्टिकुलर्स करिए, एकदम छोटा सा कॉलम रहेगा हमारा लेजर फोलियो LF, ठीक है। इसके बाद हमारा कॉलम रहता है डेबिट अमाउंट इन रुपीस, एक कॉलम, और एक कॉलम रहता है हमारा क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस, ठीक है, ये हमारा एक कॉलम, बस ये हमारा फॉर्मेट हो गया जनरल का। आप इसको बढ़ा देंगे, इसमें पेज होता है तो पेज में छोटा सा यहाँ पे डेट का कॉलम एक मार्जिन के बराबर हाफ स्केल, थोड़ा सा पार्टिकुलर्स का कॉलम बड़ा रहता है क्योंकि इस पे हमको लिखना रहता है। तो इस पे हम लोग कैसे करेंगे, मान लीजिए अपने डेट स्टार्ट कर दिया, चलिए 2018 का ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे 2018 आपने पुट कर दिया, और यहाँ पे आपका 1 अप्रैल, ठीक है, चलिए पुट कर दिया आपने 1 अप्रैल 2018, इस तरह से पुट करना रहता है। अब एक एक ट्रांजेक्शन को मैं कवर करने वाला हूं, और उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहले कैपिटल को कवर करेंगे कि जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब भी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो जिस चीज से भी ये स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कैश से स्टार्ट किया, तो यहां पे क्या करना है, कैश अकाउंट कुछ लाइन छोड़ के एकदम लास्ट में DR, ठीक है। अब यहां से कुछ स्पेस छोड़ते हैं, इसके नीचे टू लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का मतलब जब भी एक बिजनेस से स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट ही होगा, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्मेट होती है लिखने का, पहले कैश अकाउंट, डेबिट थोड़ा सा लास्ट में, और जो क्रेडिट वाला है, क्रेडिट को क्रेडिट लिखते नहीं हम लोग, बल्कि हम लोग टू लिखते हैं, और टू कैपिटल अकाउंट। तो आप ये आइडेंटिफाई कर लीजिएगा जो टू में है वो क्रेडिट है, राइट, जो टू में है वो क्रेडिट है और कैश। अब यहां पे एक और चीज, यहां पे आपके नरेशंस होते हैं, नरेशंस में आप लिख सकते हैं यहां पे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 50,000, जो भी यहां पे अमाउंट रहेगा, ठीक है। लिखने के बाद इसको यहां पे यहां से लाइन करेंगे, पूरा नहीं, आपको यहां से यहां तक ही लाइनिंग करनी है, और आपके अमाउंट यहां पे डेबिट में 50,000 और इसके आगे यहां पे क्रेडिट में 50,000 अमाउंट यहां पुट कर दीजिएगा। इस तरीके से बाकी सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग वन बाई वन करते रहेंगे, ठीक है। तो हमने फॉर्मेट बताया और किस तरीके से इसको हमने पुट करना है फॉर्मेट के अंदर, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आगे देखते हैं एक एक ट्रांजेक्शन। अब मान लीजिए कि कैपिटल हमने कैश से स्टार्ट किया, अगर मान लीजिए कैपिटल बैंक से भी स्टार्ट हो,
तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कोई एसेट्स भी है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कर लेंगे। ठीक है, आप मान लीजिए, आज मान लीजिए अगर गुड्स आपने परचेज किया, क्या किया, गुड्स परचेज किया, ध्यान दीजिएगा, एसेट्स नहीं, गुड्स परचेज किया, उसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा यहां पे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखेंगे हम लोग, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कैश से किया है तो चेक अगर आपने दिया है तो टू बैंक अकाउंट, और अगर आपने उधार खरीदा है, उधार यानी कि क्रेडिट पे खरीदा है, ना कैश में खरीदा है ना बैंक में खरीदा है, तो क्रेडिट में खरीदेंगे, तो क्रेडिट में जब अभी कोई गुड्स खरीदते हो तो आपके क्रेडिटर्स होंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स। अब ध्यान दीजिएगा, क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर होगा, अब यहां पे क्रेडिटर नहीं लिख देंगे, अगर नाम दिया है क्रेडिटर का तो आप वहां पे क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, और नाम के आगे आप अकाउंट लगाने की झंझट मत करिएगा, बिल्कुल कोई भी नाम हो उसके आगे अकाउंट मत लगाइए, सिंपल, आपकी कोई भी गलत नहीं होगा, सिंपल है, अकाउंट नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा परचेज के लिए एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तीनों नहीं हो सकता है, अगर कैश से खरीदा तो कैश, बैंक से खरीदा तो बैंक, और उधार खरीदा तो, आप इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको करेंगे। अगर मान लीजिए परचेज रिटर्न हुआ तो क्या करेंगे, यहां पे परचेज रिटर्न है तो किसको, जिसको भी रिटर्न करना है, क्रेडिटर जो भी हमारा होगा, तो यहां पे जो एंट्री हो जाएगी वो क्रेडिटर डीआर टू परचेज रिटर्न अकाउंट, पूरा लिखेगा परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज हमारा डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग परचेज की क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को करते हैं। सेल्स के लिए बात करें तो सेल्स, अगर हमने सेल्स किया तो सेम सेल्स हम लोग करेंगे, तो उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगा, सेल्स हमारा टू में आता है, सेल्स कहां जाएगा भाई, टू सेल्स अकाउंट, ये होता है हमारा टू सेल्स अकाउंट। अब इसके ऊपर या तो आपने कैश अकाउंट डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट कर दीजिए, कैश में अगर आपने बेचा है तो, बैंक से बेचा है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दीजिए, ठीक है, और अगर आपने क्रेडिट पे उधार पे बेचा है, जब आप उधार पे कोई गुड्स बेचते हो तो आपके लिए डेटर क्रिएट होता है, क्या होता है, डेटर, तो यहां पे डेटर्स डीआर लिख सकते हो। ठीक है, नाम दिया रहेगा तो नाम लिखोगे, नहीं नाम दिया है तो नाम नहीं लिखोगे। ठीक है, अब अगर सेल्स रिटर्न है तो ऊपर हो जाता है सेल्स रिटर्न डीआर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू डेटर, अगर डेटर है तो डेटर्स। ठीक है, तो आप इस तरीके से सेल्स रिटर्न और सेल्स की एंट्री को कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक एक करके सारे एंट्री को मैं आप कवर कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से इसको कर लें। आइए देख लेते हैं हम लोग बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स एक ऐसा चीज है, आप इसी को फॉर्मेट पे आप पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसी तक पुट करते रहिए, मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि मैं एक एक ट्रांजेक्शन आपको बता दूंगा, वो एंट्री आप क्या करिए, नोट डाउन करते चलिए, और फॉर्मेट पे ही आपको क्या करना है, उसको फिक्स करना है ना, आपको इस तरह बता दे रहा हूं, एक पार्ट बता दे रहा हूं, बट आपको जो भी करेंगे आप तो इतना याद रखिएगा कि हम उसको उसी पे फिक्स करेंगे। ठीक है, आइए वर्ड देखते हैं हम लोग बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स में क्या होता है भाई, वो डेटर जो हमें पैसा नहीं दे पाते ना, वो डेटर जो हमें पैसा नहीं दे पाते उनको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। अगर बैड डेब्ट्स कोई हुआ मान लीजिए, तो बैड डेब्ट्स में क्या करेंगे एंट्री हम लोग, अगर मान लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर मैं बार बार बोल रहा हूं भैया, डेटर की जगह अगर नाम दिया तो नाम लिखेंगे, मोहन है, मोहन से हमें पैसा लेना था 50,000, लेकिन भैया वो क्या है कि एबल नहीं है 50,000 देने में, वो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मीन्स लाइबिलिटीज मोर देन एसेट्स, नॉट एबल टू पे द डेब्ट, पूरा डेब्ट पे करने में दिक्कत है, तो इसको भाई उसने कहा मैं आपको क्या करूंगा 40,000 पे कर दूंगा, तो बाकी के जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो बैड डेब्ट्स अकाउंट डीआर, आप यहां पे 10,000 कर देंगे। ठीक है, अब एक बात ये हो गया हमारा, यहां कैश की जगह बैंक हो सकता है, आप उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे, जब बैंक से ट्रांजेक्शन किया तो बैंक कर देंगे और कैश से किया तो कैश। एक वर्ड आता है बैड डेब्ट्स रिकवर, बैड डेब्ट्स रिकवर, कभी कभी होता है कि हमने कोई डेटर को बैड डेब्ट्स कर दिया, बट आफ्टर सम टाइम्स वो बंदा बहुत ईमानदार होता है, उसके पास पैसा आता है और कहता है भाई आपका पैसा, वो क्या करता है रिटर्न कर देता है, लाके आपको पहुंचा देता है,
तो उसके लिए आपको एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। बस सिंपल एंट्री, आप इसको क्या करेंगे इस तरीके से पास कर दें, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। ये हमारा हो गया बैड डेब्ट से रिलेटेड एंट्री। आइए आगे देखते हैं ड्रॉइंग के लिए क्या करते हैं। ड्रॉइंग, अगर ड्रॉइंग आप समझते हो ड्रॉइंग क्या होता है, ड्रॉइंग यानी कि जब हमारे ओनर्स प्रोप्राइटर विड्रॉ करते हैं फॉर द पर्सनल यूज, अपने यूज के लिए व्यक्तिगत खर्चे के लिए आप क्या उसका करते हैं विड्रॉ करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉइंग। अगर ड्रॉइंग होता है, ध्यान दीजिए ड्रॉइंग जो है ना वो दो तरीके से होता है, या तो कैश में करेगा या तो बैंक में, कैश बैंक से करेगा, या तो स्टॉक लेगा, स्टॉक यानी गुड्स को लेगा ना, ये दो तरीके से करेगा, या तो कैश बैंक करेगा या तो स्टॉक या गुड्स लेगा। तो दोनों के लिए अलग अलग एंट्री पास करते हैं। अगर मान लीजिए कैश बैंक की है तो एंट्री क्या होगा हमारा, ड्रॉइंग को डेबिट करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। आप याद रखिएगा कैश बैंक अकाउंट में कोई एक ही होगा। और अगर मान लीजिए वो स्टॉक करता है तो उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। इसको आप वन बाय वन लिखते चलिए मेरे भाई, आपको ऐसे बढ़िया ना कहीं मिलने वाला नहीं है, ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलने वाली है। थोड़ी सी बोला ना वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट इंफॉर्मेशन आपको एक्यूरेट मिलेगा। ए ड्रॉइंग के लिए ट्रीटमेंट हो गया, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन में क्या होगा कि या तो पैसा आप डिपॉजिट करोगे या तो विड्रॉ करोगे ना, या तो डिपॉजिट करोगे या तो विड्रॉ करोगे। तो अगर आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, क्या किया है डिपॉजिट किया है, तो बैंक में जब पैसा डिपॉजिट करोगे तो एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है, टू कैश अकाउंट। आप इसको ध्यान रखिएगा। और अगर विड्रॉ करते हो, क्या करते हो भैया विड्रॉ करते हो बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाता है ना, बैंक से पैसा आ रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है, इन हो रहा है और बैंक से आउट हो रहा है, तो ये वाली एंट्री क्या करेंगे आप इसको पास करेंगे। बस इतना ही, और कुछ रहता ही नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मेन चीज है डिस्काउंट। आइए डिस्काउंट का भी एंट्री हम लोग देख लेते हैं। डिस्काउंट आपने पता है छूट, यानी हम लोग क्या करते हैं कि जो एमआरपी होता है उसमें कुछ प्राइस, कुछ पैसे को, कुछ अमाउंट को डिडक्ट कर देते हैं, कम कर देते हैं, लेस कर देते हैं, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। और डिस्काउंट का मतलब छूट आपने समझा। तो डिस्काउंट ना भाई दो तरीके के होते हैं ना, एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, दोनों में अंतर क्या है। कैश डिस्काउंट को हम लोग जनरल में शो करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को जनरल में शो नहीं करते हैं। आप उसको लिख लीजिए, लिख लीजिए कहीं, कैश डिस्काउंट को जब भी हम लोग जनरल बनाएंगे या कैश डिस्काउंट है तो उसको हम लोग शो करेंगे, दिखाएंगे डिस्काउंट अकाउंट, और अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको शो नहीं करते, सिर्फ हम लोग पैसे को डिडक्ट करके उसके अमाउंट लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि परचेज किया आपने और उस पर ट्रेड डिस्काउंट है, परचेज किया आपने कैश में किया या उधार किया जो भी किया, तो आप एंट्री जो पास करेंगे वो क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या क्रेडिटर है तो क्रेडिटर्स, ये कर देंगे आप, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 1 लाख का गुड्स खरीदा जिसपे आपको बोला है कि भैया ट्रेड डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है 10%, तो आप क्या करेंगे 10% माइनस करने के बाद अमाउंट में डालेंगे 90,000। ध्यान दीजिएगा इसमें कैश रहेगा तो कैश में और क्रेडिटर रहेगा तो क्रेडिटर में। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट जब भी देंगे वो कैश ट्रांजेक्शन से देंगे, यानी अगर हमारा क्रेडिटर कैश पेमेंट कर रहा है तब उस पर कैश डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज कैश डिस्काउंट नहीं देंगे, ये ध्यान दीजिएगा।
तो इसमें हम लोग शो करेंगे, मान लीजिए कि कहा है कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इस पे कह रहा है कि भैया 90,000 का अपने गुड्स खरीदा, इस पे भी आपको 10% 5% 2% जो भी रहेगा, तो इसके नीचे आप टू डिस्काउंट अकाउंट लगा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी डिस्काउंट लगता है कैश के साथ लगता है, अगर कैश डेबिट है तो डेबिट में डिस्काउंट जाएगा, कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट में डिस्काउंट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे परचेज आपने किया, और परचेज जब करोगे और आपको डिस्काउंट मिलेगा, जब मिलेगा तो आपके लिए हो जाएगा इनकम एक तरफ से ना, और इनकम जब होगा यानी गेन होगा एक तरफ से कहिए, और गेन क्या होता है? क्रेडिट होता है। आपने फॉर्मूला देखा होगा, ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट एंड गेन क्रेडिट बैलेंस। इसलिए अगर आपने सेल किया है उस पर किसी को डिस्काउंट दिया है तो आपके लिए लॉस हो जाएगा, एक्सपेंस है, इसलिए उसको डेबिट कर देंगे। तो इस तरीके से शो करेंगे हम लोग, और ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कैश किधर रहेगा, सेल्स अगर करेंगे तो क्या होता है, कैश अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट होता, तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा डिस्काउंट का एंट्री हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, आपने क्लियर हो गया डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज ए चैरिटी। गुड्स अगर चैरिटी में दिया रहा है, चैरिटी देखिए, चैरिटी आपके डोनेशन हो गया, फ्री सैंपल भी होता है भैया एक तरफ, फ्री सैंपल ये एडवर्टीजमेंट हो जाता है हमारा। अगर हमने चैरिटी और सैंपल में गुड्स दिया है, क्या दिया है, स्टॉक दिया है, स्टॉक यानी कि गुड्स हमने दिया है, तो बस सिंपल चैरिटी हमारा क्या एक्सपेंस है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, अगर गुड्स कोई भी हम लोग चाहे दान दें या ड्रॉइंग करें, हम लोग परचेज में से माइनस करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। अब इसमें अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग का मतलब कि चैरिटी अलग है और फ्री सैंपल अलग अलग दे दिया दो दो में, तो आप चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज करेंगे या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट या इसमें एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए ये वाली एंट्री पास करेंगे, आसान है, बहुत आसान होता है भाई एकदम। आप इसको नोट डाउन करते चलिए, आप मजाक बना रखते हो ना यार तुम लोग ना, सबसे बड़ी चीज है कि करते क्या हो, कॉमर्स ले लिया, अब कॉमर्स को ना एकदम हलवा समझ के रखते हो बेटा तुम लोग, ये तो समस्या है। अब कॉमर्स ना सबका बाप है, इतना समझ लो, सबका बाप है कॉमर्स, लेकिन कॉमर्स को लोग ना हमारे इन्वायरमेंट हमारे सराउंडिंग हमारे जो कल्चर है उसमें कॉमर्स वाला है, कॉमर्स वाला एक ऐसा होता है जो साइंस की नॉलेज होती है, आर्ट्स की नॉलेज होती है, कॉमर्स की नॉलेज होती है, बाकी को तो साइंस वालों को तो बस वही बाकी की नॉलेज तो है नहीं। आ जाते ह्यूमैनिटीज वाले, उनको भी कॉमर्स, कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको तीनों समय तीनों जो फील्ड होती है तीनों स्ट्रीम की आपको नॉलेज होती है, ठीक है। इसी तरह हमारा लॉस बाय फायर अगर आ गया, लॉस बाय फायर या थेफ्ट चोर, अगर चोरी हो गई या आग द्वारा जल गया, उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, वही गुड्स ही जला होगा ना, तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। जो भी गुड्स जलेगा परचेज को हम लोग वहां पे करेंगे क्रेडिट, क्योंकि जब खरीदते हैं तो डेबिट होता है और जब वहां से निकलेगा तो उसको कर देंगे क्रेडिट। आप इतना कुछ यहां पे याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, थेफ्ट या परचेज इसमें जो भी रहेगा तो आप उसको क्या करिएगा देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हमने क्या किया, परचेज और सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, अब ये मेन चीज है, परचेज एंड सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, आप समझ रहे हो ना, फिक्स एसेट्स ऐसे एसेट्स जिसका यूज हम लोग लॉन्ग टर्म तक करते हैं, जैसे लैंड मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर। तो जब भी एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स का नाम लिखते हैं, यानी
यहां पे एंट्री होती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश से करेंगे तो कैश अकाउंट, बैंक से करेंगे तो बैंक अकाउंट, और उधार खरीदेंगे तो यहां पे जिसे खरीदेंगे वेंडर, वेंडर्स अकाउंट, वेंडर्स मतलब सेलर ना, जिससे हमने क्या किया खरीदा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अगर बेचते हैं, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा सन्ड्री एसेट्स की जगह एसेट्स ही मत लिख देना मेरे भाई, कभी कभी होता क्या है कि नाम दिया रहता है ना एसेट्स का, फर्नीचर आपने खरीदा, मशीनरी आपने खरीदा, बिल्डिंग आपने खरीदा, देन जस्ट राइट द नेम ऑफ एसेट्स नॉट द सन्ड्री एसेट्स ना, तो वहां पे एसेट्स का नाम लिखिएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या वेंडर, जो भी खरीदेंगे आप, कैश से खरीदेंगे तो कैश अकाउंट, बैंक से खरीदेंगे तो बैंक अकाउंट, वेंडर से यानी जो सेलर है उसका नाम दिया है तो वहां पे नाम लिखेंगे, नहीं दिया है तो वेंडर से अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। अब बेचेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। तो उसको बेचेंगे तो उल्टा इसकी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास से एसेट जा रहा है कैश आ रहा है, ठीक है। ये हमारा रियल अकाउंट के बेस पे होगा। तो ये हमारे सेल्स, इतना सारी चीजें हमारे हमने किया। और अब एक चीज और देख लीजिए, अगर हमने एसेट्स परचेस किया और उसके इंस्टॉलमेंट का खर्च लगा है, इंस्टॉलमेंट यानी लगाने में खर्च लगा है, उसके इरेक्शन में खर्च लगे हैं, तो इट्स इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। जैसे मान लीजिए आपने मशीनरी खरीदा 1 लाख का और उसको इंस्टॉल करने में 10,000 लगा, तो आपकी कॉस्ट ऑफ मशीनरी हो जाएगी 1,10,000। इसको आप अलग से एक्सपेंडिचर मत, एक्सपेंसेस मत मान लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी एसेट्स के खर्च लगते हैं उसको उसमें हम लोग मानते हैं। ये जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, वो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इट्स में हमारे जनरल विदाउट जीएसटी, अभी पढ़ेंगे हम लोग जीएसटी वाला भी। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे वाले क्लास हम लेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि जीएसटी में क्या होता है, ठीक है। अब हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस समझ रहे हो ना, एक्सपेंसेस में क्या आ गया, सैलरी पेड किया हमने, वेजेस पेड किया हमने, कमीशन पेड किया हमने, तो ये हमारा हो गया एक्सपेंस। और जब भी एक्सपेंस की एंट्री करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। आप इसको याद रखिए, एक्सपेंस डेबिट होता है तो एक्सपेंस को डेबिट ही करेंगे, क्रेडिट नहीं करेंगे। और एक्सपेंस की जगह एक्सपेंस का नाम लिखना, जैसे सैलरी पेड कर रहा है, वेजेस पेड कर रहा है, कमीशन पेड कर रहा है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, आप उसको ध्यान रखिएगा। अगर अगर मान लीजिए इनकम है, इनकम क्या होता है, रिसीव कर रहे हैं हम लोग ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट है ना टू इनकम अकाउंट। इनकम यानी जो भी इनकम हमने रिसीव किया है, चाहे वो सैलरी रिसीव किया है, वेजेस रिसीव किया है, डिविडेंड रिसीव किया है, इंटरेस्ट रिसीव किया है, जो भी किया है, पेड करेंगे, डेबिट करेंगे, और रिसीव करेंगे तो उसको क्रेडिट करेंगे, और उसके साथ कैश को हम लोग डेबिट क्रेडिट करते रहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जब भी रहता है तो आप याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, हो जाता है हमारा, तो आप जब भी ट्रेडिंग अकाउंट के बाई में जाता है क्लोजिंग स्टॉक। आगे पढ़ेंगे हम लोग जब इसके फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, तो उसको करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने समझा क्या होता है आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड यानी बाकी हमने काम ले लिया उससे लेकिन पेमेंट नहीं किया है, अभी हमारा करंट लायबिलिटीज है ना, हमने पेमेंट नहीं किया है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि पेड बट नॉट ड्यू, हमने पेमेंट कर दिया है बट अभी बाकी नहीं है, एडवांस में पेमेंट कर दिया ना। तो इसको आप लिखते चलिए, मेरे वर्ड्स को लिखते चलिए, इन फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाले हैं सर, बहुत काम, ठीक है। तो देखिए आगे, अगर मान लीजिए हमारा आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग अगर मान लीजिए वेजेस है तो क्या लिखेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट। आउटस्टैंडिंग को हम लोग ओएस लिख दिया हमने, तो आप लोग पूरा लिखिएगा,
अब जो भी रहेगा सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कमीशन आउटस्टैंडिंग है तो यहां पे लिखेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। आप उसको इस तरीके से क्या करेंगे लिखेंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। प्रीपेड का मतलब है हमने एडवांस पेमेंट कर दिया, तो हमारे लिए क्या होता है करेंट एसेट्स होता है ना। तो आपने मान लीजिए प्रीपेड सैलरी किया तो ऐसे लिखेंगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट ये हमारा करेंट एसेट्स होता है। और जब करेंट एसेट्स होगा तो हम लोग क्या करेंगे इसमें शो करेंगे। तो ये जो हमारी एंट्री हुई, ये जो हमारा एंट्री है क्या है भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन प्रीपेड का। प्रीपेड में कुछ भी रहेगा, प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड वेजेस टू वेजेस अकाउंट, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। आपको बता दें डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स एक्सेप्ट लैंड ना। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यानी कि डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स बाई रेगुलर यूज और एनी वियर एंड टीयर ना। किसी भी वजह से अगर हमारी फिक्स एसेट्स जमीन को छोड़ के, लैंड को छोड़ के, बाकी हर एक चीज की फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, उसको रेगुलर यूज कर रहे हैं उसकी वजह से, या वियर टीयर यानी हवा पानी उसके वजह से, या रखने की वजह से हमारी क्या होती है उसकी वैल्यू हर साल कुछ न कुछ कम होती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जिसको हम लोग कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ऑफ फिक्स कैपिटल। इसकी एंट्री कैसे होती है, अगर मान लीजिए किसी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है अगर, तो यहां पे सिंपल है भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स मतलब यहां पे जिस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगा है उस एसेट्स का यहां पे नाम लिख दीजिएगा, एसेट्स मत लिखिएगा, मशीनरी पे लगा है तो मशीनरी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा इस तरीके से डेप्रिसिएशन होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सब कुछ पढ़ ले रहे हैं। अब हम लोग, हमने एक्सपेंस की बात किया, अब इनकम की बात करेंगे। इनकम मतलब एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम ध्यान दीजिएगा, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होता है, इन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अर्नड बट EARNED, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव, हमने कमा लिया है लेकिन अभी उसे रिसीव नहीं किया है ना, ये इनकम के लिए हमारा, ठीक है। अब एक होता है रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस आगे, यानी हमने काम क्या किया, रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, हमने रिसीव कर लिया पैसे एडवांस में ले लिया लेकिन हमने अभी काम नहीं किया है, इस केस में क्या होगा, ठीक है। एक्रूड इनकम हमारा एसेट्स है तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, डेबिट करेंगे। तो यहां पे एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अगर मान लीजिए एक्रूड सैलरी है तो यहां लिखेंगे एक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, बस इतना ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। ये हमने रेंट क्या किया, पहले से रिसीव कर लिया ना, तो ये हमारा अनअर्नड या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हो सकता है। तो यहां पे हम लोग करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये करेंगे, यानी एक्सपेंस जो भी रहेगा हमारा, जो भी हमारा इनकम हमने रिसीव किया है, इनकम ऊपर हो जाएगा और रिसीव्ड इन एडवांस। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर मान लीजिए सैलरी पहले से किया है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, ये हमारा होता है। अब आइए देखते हैं आगे, ये देखिए नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, अगर आ गया तो क्या करोगे मेरे भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है,
अब कभी कभी दे देता है बच्चे कंफ्यूज, लो भैया कैपिटल जानते हो ना, कैपिटल हमारा ओनर का पैसा होता है, उसपे फॉर्म देता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट देता है फॉर्म, तो अकॉर्डिंग टू वो सेपरेट लीगल एंटिटी, फॉर्म्स और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं, यानी फॉर्म्स के लिए क्या हो जाएगा भाई वो एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा उसका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होता है डेबिट होता है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये एंट्री पास करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ड्रॉइंग के लिए क्या एंट्री पास करते हैं, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे फॉर्म के लिए इनकम है भाई ना, क्योंकि प्रोप्राइटर ओनर विड्रॉ करता है तो ओनर क्या करेगा इस पे इंटरेस्ट देगा, तो हमारे लिए क्या हो गया ठीक है, तो इतना समझ लीजिए। आइए एक और मेन चीज है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इनकम टैक्स, उसके लिए क्या जनरल करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए बहुत लड़के गलत करते हैं भाई, हर बार गलत करते हैं मैक्सिमम ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो जिसको ट्रीट करते हैं हम लोग ड्रॉइंग, ये दोनों वर्ड्स ड्रॉइंग है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका पेड करेंगे हम लोग, फॉर्म का तो कोई लाइफ होता नहीं, कोई वो लिविंग थिंग्स तो है नहीं कि उसका पेड करेंगे, और इनकम टैक्स किसका होता है भाई पार्ट, ये होता है ओनर्स का, तो फॉर्म पेड करेगा तो ड्रॉइंग ट्रीट करेगा, तो इनकम टैक्स और हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दोनों क्या होता है ड्रॉइंग, तो जब भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रहे तो आप इसको एंट्री करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, बस ये वाला एंट्री करेंगे, और इनकम टैक्स रहे इससे भी वही करेंगे आप, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, बस सिंपल है कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, और हाँ आपको जब भी ये सारी चीजें करनी हो तो आपने मैंने फॉर्मेट बताया ना उस फॉर्मेट पे ही करना ना, ऐसे में तो फटाफट इसको बता दिया, इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो ना हो आपके लिए, तो इतने सारी चीजें हैं जो आपको करने होते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब मार देना यार, उसमें पैसे लगते नहीं है, थोड़ा सा मोटिवेशन होती है आपको और भी बहुत बढ़िया चीज मिलेगा यहाँ पे ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।